तो चलो हो ही गया है, अब बहन लोग के लिए कुछ भी किया जाए यूनिक। तो दो दिन में बहन लड़की लोग के लिए दो दिन का फ्री चाय है। मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे। चाय कैसे लगती है? यहाँ की चाय काफी अच्छी लगती है, इसलिए हमेशा आते हैं। और लड़कियों को नहीं, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे स्थित बेवफा चाय वाला, जो कि देखिए प्रेमी जोड़ों को 15 रुपए में चाय पिलाते हैं और प्यार में धोखा खाए वाले लोगों को 10 रुपए में चाय पिलाते हैं। इनकी स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, बहुत ही फेमस है बेवफा चाय वाले अपने बेवफाई के लिए, क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट निकाला कि चाय भी कभी बेवफा हो सकता है। तो आज हम एक ऑफ़र यहाँ पे देख रहे हैं। ऑफ़र ये है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए बेवफा चाय वाले की तरफ से 11 तारीख को फ्री में चाय पिलाया जाएगा। तो ये इस कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे लड़की आ रही है चाय पीने के लिए, कि फ्री में रक्षाबंधन है उसके लिए महिलाओं को, लड़कियों को फ्री में चाय पिला रहे हैं बेवफा चाय वाले। तो हम उनसे बात भी करेंगे कि वो आखिर ऐसा पहल क्यों लाए, क्योंकि उनका कहना था कि लड़की ने उन्हें धोखा दिया और इसीलिए उन्होंने ये स्टॉल खोला बेवफा चाय वाला। तो आखिर जब लड़की एक धोखा दी है तो लड़कियों के लिए फ्री में चाय क्यों दे रहे हैं आज, और इससे उनके क्या फ़ायदा हो रहा है? तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं बेवफा चाय वाले जी। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। सबसे पहले ये बताइए कि कंसेप्ट कहाँ से है कि बेवफा चाय वाला आपने नाम रख दिया? चाय भी कभी बेवफा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं धोखा खाया था, इसलिए बेवफा चाय वाला नाम रख दिया चाय दुकान का। चाय से रिलेटेड धोखा था? चाय से रिलेटेड धोखा नहीं था, बैठे हुए थे। अब धोखा खाए हुए लोग तो परेशान रहते हैं, इसलिए बैठते बैठते मन में आया कुछ यूनिक किया जाए, जिसे कस्टमर लोग के चेहरे पे मुस्कान तो जरूर आती है बेवफा चाय वाले के नाम से, इसलिए मैंने खोल दिया था। तो प्रेमी जोड़ों से आपको क्या दिक्कत है कि उनके लिए 15 रुपए का रखा है आपने? क्योंकि मैंने धोखा खाया था, इसलिए 10 रुपए उनसे एक्स्ट्रा वसूला जाता है। और जो सिंगल जो धोखे खाए हैं उनके लिए 10 रुपए? 10 रुपए। अच्छा, आप जो महिलाओं के लिए रखे हैं कि राखी में फ्री में दो दिन आप चाय पिलाएंगे, तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट जैसे रक्षाबंधन आज भी है, दो दिन मनाया जा रहा है पटना में, रात में बैठा हुआ था, ऐसा ही मूड में आया मेरा, जो कुछ किया जाए बेवफाई तो चलो हो ही गया है, बहन लोग के लिए कुछ भी किया जाए यूनिक। तो दो दिन में बहन लड़की लोग के लिए दो दिन का फ्री चाय है। तो एक लड़की ने ही आपको धोखा दिया है और आप लड़कियों के लिए फ्री में चाय पिला रहे हैं? धोखा जिसको देना तो दे के चले गए, बाकी तो बहन लोग हैं ना, वो तो एक के चलते और क्यों सफर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सुबह से आप देख रहे हैं कितनी लड़की आई चाय पीने के लिए आपके? लगभग 50-60 लड़की आके चली गई हैं पी के, बाकी आ रही हैं, पी रही हैं, खुश भी हो रही हैं, थैंक यू बोल रही हैं, भैया बहुत अच्छा लग रहा है हमको, दो दिन फ्री में तो चाय मिलेगा, बोले बोले अच्छा है चलो। इससे आपके बिजनेस में क्या फायदा, क्योंकि ये तो फ्री में चला जा रहा है, आपका कोई फायदा तो इससे हो नहीं रहा? इससे फायदा देखिए, फायदा तो बिजनेस है, तो फायदा है तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस का फायदा सोचेगा ना। फायदा तो चलिए सिर्फ सोचता हूँ, एक दिन दो दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ किया जाए यूनिक, जो लोगों को अच्छा लगे, दिल को सुकून मिलेगा, कुछ तो मैंने अच्छा किया। 15 अगस्त भी आने वाला है, उस दिन भी मेरा रहेगा ऑफर, पुलिस के लिए रहेगा, आर्मी के लिए रहेगा, बाकी नगर निगम को जो स्टाफ है सबके लिए चाय फ्री रहेगा उस दिन। तो ये ऐसा फ्री वाला तो आपने इस बार पहली बार शुरू किया है? नहीं, पहली बार नहीं किया है, ब्लैक डे पिछले बार ब्लैक डे में मैंने आर्मी या पुलिस वालों के लिए फ्री चाय किया था, ये रक्षाबंधन में पहली बार किया मैंने। तो देखिए आप लोग रहे कि ये कंसेप्ट इनका पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये फ्री में चाय पिलाते हैं। और आइए, हमारे पास और भी लड़कियां हैं, हम उनसे बात। हमारे साथ दो लड़कियां भी मौजूद हैं जो आज रक्षाबंधन के अवसर पे जो बेवफा चाय वाले फ्री में दो दिन चाय पिला रहे हैं उसके लिए चाय पीने आई है। आप पहले भी आया करते हैं या फर्स्ट टाइम आई? नहीं नहीं, पहले भी आया करते हैं। चाय कैसी लगती है? चाय तो इनकी बहुत अच्छी लगती है, मतलब। और आज अभी दो दिन इन्हें दिया गया है, दो दिन फ्री में चाय पीने के लिए, उसके लिए क्या बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की ने इन्हें धोखा दिया है और लड़कियों को नहीं। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है, मतलब ये पहल को आप कितने अच्छी मानती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा होते नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है। अच्छा, पटना में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? हाँ नहीं नहीं, पटना में फर्स्ट टाइम हो रहा है गेस, मेरे मतलब जब से मैं रह रही हूँ तब से तो ये पटना में फर्स्ट ही टाइम। तो ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल। अब मैडम आपकी नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमीशा। आप पहले आई हैं या फर्स्ट? मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे। चाय कैसी लगती है? यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए हमेशा आते हैं।
और ये जो पहल इन्होंने किया है महिलाओं को दो दिन फ्री में चाय पिलाने की, ये पहल कैसी लगी आपको? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है कि लड़कियों को दो दिन फ्री में चाय देना, ये कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों को भी जागरूक कर सकता है कि, और ये तो सबसे पहले कि अपना ऐड भी कर रहे हैं कि दो दिन चाय, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रियली काफ़ी अच्छा है। और आई गेस ये कॉन्सेप्ट है बिहार में नहीं पटना में पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। और भी जगह हो तो बेटर रहेगा आपको लगता है? हाँ आई गेस इससे सबको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि लड़कियों को कभी प्रॉफिट होना चाहिए था, एक ऐसे होना चाहिए कि राखी की दिन अगर लड़कियों को मिल रहा है तो लाइक वैलेंटाइन हो तो उस दिन कपल्स को भी फ्री होना चाहिए। ऐसे डिमांड करती है। ऐसे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, बिजनेस है तो थोड़ा तो आपको भी ध्यान रखना होगा। आपके नाम बताइए। सृष्टि जायसवाल। चाय पीने आई है आज, फ्री में चाय पी के कैसा लग रहा है? फ्री में हाँ, क्योंकि आप पे कंसेप्ट है ना कि आज फ्री राखी है तो महिलाओं के लिए लोग फ्री में चाय पिला रहे हैं। नहीं देखा आपने? नहीं, सामने पोस्टर देखिए, फ्री में आपको चाय की, वो आपने पैसा दिया है क्या इसके लिए? नहीं अभी तो पे नहीं किया है, बट मुझे नहीं पता था फ्री में चाय। ये फ्री में है मैडम, और कहाँ गई? अच्छा, आपको पैसा देना पड़ रहा है क्या? नहीं अभी तक पे नहीं किया, बस लिया। और तो देखिए आपको पता नहीं था, सामने पोस्टर है मैम। और देखिए और भी लड़कियाँ हमारे पास आई हैं, यहाँ पे आई हैं। एक्सक्यूज मी, आपको भी ऑफर के बारे में पता है? हाँ तभी तो आए, तभी आई है ना। अच्छा कैसे कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आप भी पी के बताओ। पहले आई आ चुकी हैं आप चाय पीने? हमेशा ही आती, हमेशा ही आती है। और मैडम आप हमेशा आती हैं या पहली बार आ रही? पहली बार आ रही है। कंसेप्ट कैसा लग रहा है कि फ्री में महिलाओं के लिए चाय मिल रहा है? फ्री वाला नहीं पता था। नहीं पता था, देखिए आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है। मिठाई लेने गए थे तो आपने पे किया क्या? क्या पे नहीं किया है आपने? तो इन्हें नहीं पता था ना, इसीलिए ये हमारे साथी है। सुना आप लोगों ने कि उनका क्या कहना था, और हमने जब लड़कियों से भी बात किया जो महिलाएं आई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए, उनका कहना था कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो हमेशा से यहाँ पे चाय पीने आती है, इनका चाय बहुत उन्हें पसंद है। और उनका कहना है कि ये पहल बहुत ही अच्छा है पटना में। आपको बता दें कि पहली बार किसी ने ऐसा पहल, किसी चाय वाले ने ऐसा पहल निकाला कि महिलाओं को फ्री में चाय पिलाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए और न्यूज़ के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे कैमरामैन अकबर के साथ।